हेलो फ्रेंड्स, लेके आया आप एक और बिल्कुल फ्रेश इंटरेस्टिंग और एक बजट सेगमेंट वाली अनबॉक्सिंग, जहां पे आज जो स्मार्टफोन में अनबॉक्स करने वाला हूँ वो एक बजट सेगमेंट, एक कम रेंज वाला स्मार्टफोन, एक अच्छा स्मार्टफोन है जो कि आ जाता है हमारा रियलमी की तरफ से, रियलमी का नार्जो 33। आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग बहुत ही यूनिक टाइप से लग रही, कलर बहुत ही मजेदार सा है। तो आज की वीडियो हम करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स में कंटेंट वगैरह क्या देखने मिल जाता है और एक बजट सेगमेंट फोन में क्या क्या कंटेंट दिए हुए, क्या फीचर्स हैं और सबसे खास बात कि फोन में क्या क्या फीचर्स देखने मिल जाता है, तो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे आपको रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, उसको जरूर से ग्रे कर देना है, मतलब कोई उसमें बहाना चलेगा नहीं, उसको ग्रे करना ही करना है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ ही इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो तो आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग, जहां पे इसका एक बहुत ही अच्छा सा ब्लू टाइप का टिपिकल लुक देखने मिल जाता है, ब्लू व्हाइट कॉम्बिनेशन में, जो कि शायद इस नार्जो में आया है पहली बार, वरना जो है आपको येलो टाइप का ही टोन देखने को मिलता था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का लुक देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है नार्जो 30 और बड़ा बड़ा लेटर लिखा हुआ है नार्जो का। यहाँ लिखा गया है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड देखने को मिल जाता है, रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, नार्जो लिखा गया। और पीछे की तरफ हमें कुछ हाईलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया है हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले है, 30W चार्जिंग है, 48MP, मतलब सब कुछ हम डिटेल आगे वीडियो में देखेंगे। बाकी इसका कलर की मैं बात करूँ तो ये आपका रेसिंग सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है, और जो वेरिएंट है वो है आपका 4GB RAM 64GB स्टोरेज वाला। तो फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स, और इसकी अनबॉक्सिंग तो क्या ही बोलूँ, ये पहले से अनबॉक्स हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें ये टिपिकल सा फील द पावर हमें देखने को मिल जाता है, जो सबसे स्टार्टिंग में हमें पैम्पलेट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइड्स वगैरह तो बिल्कुल ही एकदम दो पन्ने वाली हो गई हैं। और साथ ही जो केस देखने को मिल जाता है वो ये आपका TPU केस देखने को मिलता है, जो कि धीरे धीरे यूज़ होते होते ये पीला पड़ने लग जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन यूसेज में आपको हल्का सा येलोइश देखने को मिल जाता है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर काम इसका ख़त्म हो जाता है। तो ये केस देखने को मिल जाता है, बाकी नीचे की तरफ फ़ोन देखने को मिल जाता है और साथ ही कुछ और भी टोन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और सिम इजेक्टिंग टूल भी दिया गया जो कि यहाँ इनसाइड में देखने को मिल जाता है। और साथ ही हमें फ़ोन रखते हैं साइड में, और ये सबसे पहले अडैप्टर देख ले, तो अडैप्टर की जो रेटिंग दी गई है वो है हमारा 30W का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आपको एक बजट सेगमेंट, मतलब अंडर 15,000 वाले रेंज में आपको एक अच्छा सा फास्ट चार्जिंग अडैप्टर देखने को मिल जाता है, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और साथ में जो है ये केबल देखने को मिल जाती है, जो कि टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो कि येलो कलर का अंदर से एक ब्रेडिंग देखने को मिल जाता है, तो वो एक अच्छा चीज़ लगता है। तो ये सब चीज़ें रखते हैं साइड में, और अब हम आते हैं मेन फ़ोन पे, जहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया है फ़ोन के अंदर, तो वो भी हम चेक कर लेना है क्या चीज़ का लुक है, क्या चीज़ का मॉडिफिकेशन है। तो रिवील करते हैं फ़ोन के लुक को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाल कलर के बटन को ग्रे करके हिट कर दो, तुरंत जो है ग्रे हो जाएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और डिटेल वगैरह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसका लुक जो मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक है, यहाँ आप देख सकते हो इसका ये एक्चुअल लुक नहीं है, जहाँ पे मैंने ये स्क्रीन चढ़ाया हुआ है, इस पर स्क्रीन चढ़ा हुआ है, ये फ़ोन कहीं से मैंने अरेंज किया है, तो इसके ऊपर जो स्क्रीन चढ़ा हुआ है वो इस टेक्सचर को और भी ज़्यादा अच्छा बना दे रहा है, जहाँ पे ये शेड देखने को मिल जाते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, जो इसका बिल्कुल फर्स्ट लुक है वो मैं आपको दिखा दूंगा एक सामने में। बाकी ये जो टेक्सचर वाले जो पीछे स्किन देखने को मिल जाती है वो मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही कमाल का स्किन देखने को मिल जाता है, जो कि फ़ोन के लुक को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है, अच्छा लग रहा है। बाकी सामने की तरफ हमें जो है सिंपल सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो आउटर स्पेक्स और की मैं बात करूँ, उससे पहले सबसे पहले फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं फ़ोन को, हालांकि स्टार्ट हो चुका है, सेटअप वगैरह हो ही चुका है। तो राइट साइड में हमें ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, उसके साथ में इनबिल्ट जो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी देखने को मिल जा रहा है, ऊपर की तरफ बिल्कुल ही क्लीन देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड में हमें सिम इजेक्टिंग टूल देखने को मिल जाता है, सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, साथ ही वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जा रहा है, और नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, तो ये एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है। तो साथ ही माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, जो कि बात करने के लिए काम आता है, जी हाँ बात करने के काम ही आएगा, और साथ ही माइक्रोफोन रिकॉर्ड करने भी काम आता है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया, और स्पीकर के ग्रिल वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हमें म्यूज़िक वगैरह बहुत ही अच्छे से सुनाई देता है, बहुत ही मज़ेदार सा म्यूज़िक देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से हम पासवर्ड को टाइप कर लेते हैं, और ये जो है पासवर्ड टाइप हो चुका है, फ़ोन हो चुका है कम्प्लीटली बूट रेडी हो चुका है, और स्क्रीन आप देख सकते हैं सामने बहुत ही कमाल का लग रहा है,
डिस्प्ले हमें बहुत ही अच्छा देखने मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले का साइज दिया गया है 6.5 इंच का, एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाता है इस रेंज में। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है बट फुल एचडी डिस्प्ले देखने मिल जाता है। 1080p 2400 रेजोल्यूशन के साथ में देखने मिल जाता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो हमें देखने मिल जाता है 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिल जाता है। जो कि बेजल्स की मैं बात करूँ तो साइड में तो आपको बेजल्स बहुत ही मिनिमम, मतलब बिल्कुल ही ना बराबर बेजल्स देखने मिलते हैं। थोड़े से बेजल दिए गए वो है नीचे की तरफ में, जो कि जेन्युइन है, मतलब एक बजट सेगमेंट फ़ोन में नीचे की तरफ में हल्के से बेजल जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब एक अच्छा सा फ़ोन है। साइड में और टॉप में आपको बिल्कुल भी बेजल देखने को नहीं मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छी खास चीज़ इस फ़ोन की ये कि इसके अंदर जो है हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो बिल्कुल ही कमाल का देखने को मिल जाता है, जो कि 90 हर्ट्ज़ का देखने को मिल जा रहा है। और साथ ही अभी आप देख सकते हैं स्मूथनेस बहुत ही कमाल की है, कमाल का डिस्प्ले दिया गया है। और उसके साथ में जो ब्राइटनेस दी गई है वो है 500 निट्स की हाईएस्ट ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। चलते हैं अब सेटिंग्स में फटाफट से और चेक कर लेते हैं और क्या क्या हमें इसमें पावर देखने मिल जाता है एंड्रॉयड वगैरह का। तो चलते हैं हम अबाउट फोन सेक्शन में और यहाँ पर डिटेल देखने मिल जाती है, जहाँ पे मैं लेटेस्ट एंड्रॉयड की बात करूँ तो लेटेस्ट एंड्रॉयड जो 11 आता है वो हमें देखने मिल जाता है रियलमी UI 2.0 के साथ में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में जो मतलब आपको प्रोसेसर देखने मिल जाता है वो है आपका मीडियाटेक का हीलियो G95, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, मतलब कमाल का। 12 नैनोमीटर बेस जो GPU आता है वो है माली G76 GPU देखने मिल जाता है। तो मतलब प्रोसेसर बहुत ही कमाल का, हीलियो G95 आप देख सकते हैं, कमाल का प्रोसेसर है। एक बजट सेगमेंट इस फोन के रेंज के हिसाब से जो है एक अच्छा सा सेगमेंट हमें देखने मिल जाता है, अच्छा सा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके कैमरे वगैरह की, जहाँ पे तो पीछे की तरफ हमें जो है ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि एक मतलब यूनिक टाइप का, क्या बोले कि एक नॉर्मल टाइप सा सेटअप देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सभी फोन्स में इस टाइप के सेटअप देखने को मिल जाते हैं। जो ट्रिपल कैमरे का सेटअप है उसकी स्पेक्स की मैं बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो कि ये 20-20 रुपये वाले 15-15 रुपये वाले कैमरे 2 डाल दिए गए हैं। साथ ही 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर दिया गया, मतलब काम के सेंसर जो है वो है 48 मेगापिक्सल वाले, जो 2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो और डेप्थ देखने को मिल जाते हैं। डेप्थ तो फिर भी कम आता है, मैक्रो तो 2 मेगापिक्सल वाले कोई काम का तो होता ही नहीं, मतलब बस कंपनियां ट्रिपल कैमरे का सेटअप जो है क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में कि मतलब कैमरे ज़्यादा होने चाहिए फ़ोन में, उस बेसिस पे जो इसमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही मैं सेल्फी कैमरे की मैं बात करूँ तो आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पूरा ही एक पंच होल देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हिडन है 16 मेगापिक्सल का सेंसर, जो कि है सोनी का IMX471 देखने को मिल जाता है, जो कि एक बेसिक सा मतलब कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी भी आपको एक अच्छी क्लिक करके दे देगा, बाकी जो कैमरे के शॉट्स होंगे वो आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। और मैं अदर स्पेक्स और की बात करूँ, इसके बैटरी की मेन बात करूँ, इसके बैकअप की जिसके अंदर पावर किया गया है वो है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ में बॉक्स के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है 30 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि कंपनी कहती है 65 मिनट के अंदर अंदर आपका फ़ोन जो है 100% चार्ज हो जाएगा 0 से 100। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको अगर 30 वॉट का चार्जर दिया गया तो आराम से आपका 60-65-70 मिनट में आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली 0 से 100% हो जाएगा। तो मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल ही जाता है, टाइप सी चार्जिंग केबल दिया गया है। वेट की मैं बात करूँ तो वेट ओके है, एक बजट सेगमेंट के हिसाब से बड़ी बैटरी दी गई है 5000 mAh की, तो वेट आपका ऑलमोस्ट कंपनी का जो वेट एक्चुअल वेट की मैं बात करूँ तो वो है 192 ग्राम के अकॉर्डिंग जो हमें देखने को मिल जाता है। बाकी स्लॉट वगैरह की बहुत लोग पूछ रहे होंगे स्लॉट में क्या क्या देखने मिल जाता है, तो हमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप मेमोरी कार्ड भी अलग से लगा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें इसमें फोन में देखने को मिल जाती है। तो ये था कुछ इसका डिटेल स्पेक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ने सब कुछ तो बता दिया कि जो है क्या डिटेल है क्या स्पेक्स है सब कुछ तो बता दिया, बट प्राइसिंग नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर हमें 3 वेरिएंट देखने मिल जाते हैं। एक तो हमारा 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 12,499 रुपीज का, मतलब 12,500 रुपये का। दूसरा वेरियंट है वो हमारा 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 13,499 रुपीज का, मतलब 13,500 का। और जो तीसरा वेरियंट है वो हमारा 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आ जाता है हमारा 14,499 रुपीज का, मतलब 14,500 रुपये का। 12,500 रुपये, 13,500 रुपये, 14,500 रुपये, मतलब कमाल के 3 वेरिएंट देखने मिल जाते हैं। मतलब अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से, अपने इनफ यूसेज के हिसाब से आप जो है अपना वेरिएंट चॉइस कर सकते हैं। बाकी फ़ोन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब लुक के मामले में अच्छा है। और जो स्क्रीन लगवाया उसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जो स्क्रीन लगी हुई है वो आपको कैसी लग रही है, तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को एक थम्स अप लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को मतलब सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर दीजिएगा, जहां पे भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके, इंस्टा वगैरह पे, सब पे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।